नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 5 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं 10 बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्रियों के साथ शाम 4:30 बजे अहम बैठक करेंगे पीएम मोदी। गंगा सागर मेले में कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट, मेले की एंट्री पर होगी मेडिकल स्क्रीनिंग। विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी की अहम बैठक आज, हो सकता है टिकटू फैला। राजधानी में वायु प्रदूषण में आया मामूली सुधार, आज दिल्ली में 193 दर्ज किया गया AQI। भारत चीन के बीच 12 घंटे चली 14वें दौर की कमांडर लेवल मीटिंग, हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट पर भी हुई चर्चा। कोरोना वायरस के खौफ के चलते ट्रेनें हो रही हैं खाली, यात्रियों की कम संख्या के चलते रेलवे ने रद्द की 4 ट्रेनें। भारत में कोरोना ने पकड़ी सुपर स्पीड, पिछले 24 घंटों में सामने आए 2.5 लाख कोरोना के नए केस, ओमिक्रॉन के केस भी 5,000 के पार। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बनाए गए रॉकेट साइंटिस्ट एस सोमनाथ, इसरो में के सीवन लेंगे जगह। संसद के बजट सत्र शुरू होने में बहुत कम समय बचा है, इसलिए संसद में हुआ कोरोना विस्फोट, 718 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। देश के महानगरों में कोरोना का महाविस्फोट, सिर्फ 3 शहरों में कल सामने आए 50,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना के रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,47,417 नए केस सामने आ चुके हैं। नए केस सामने आने के बाद देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की भी संख्या बढ़कर अब 11,17,531 हो गई है। देश में मिले कोरोना के मामले कल की तुलना में 27.1% ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 1,62,212 की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा मामले दर्ज करने वाले टॉप 5 राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,723 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली में 27,561 मामले, पश्चिम बंगाल में 22,155, कर्नाटक में 21,390 मामले और तमिलनाडु में 17,934 मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि 54.87% नए मामले इन 5 राज्यों से सामने आए हैं। वहीं नए मामलों के 18.88% के लिए अकेले सिर्फ महाराष्ट्र ही जिम्मेदार है। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या भी अब लगातार बढ़ रही है। अब 5,000 के पार भी ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के 5,488 मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक मिले ओमिक्रॉन के कुल मरीजों में से 1,805 ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में ओमिक्रॉन के अब 3,063 केस है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं इससे पहले बीते रविवार को भी एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी ने जिला स्तर पर मिशन मोड में बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने का आह्वान किया था। पीएम मोदी की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद देश में प्रतिबंधों को और कड़े किए जा सकते हैं। संभवतः इस बैठक में लॉकडाउन पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय पीएम मोदी की ही ले सकेंगे। बता दें कि नई दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में हालात लगातार तेजी से बिगड़ रहे हैं। इस बैठक के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, आईसीयू, पीएसए संयंत्र, ऑक्सीजन बेड, आईटी हस्तक्षेप, मानव संसाधन और टीकाकरण की स्थिति पर समीक्षा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी को पिछले 2 दिन में एक के बाद एक कई बड़े झटके लग रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को बीसी नेता दारा सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। दारा सिंह पिछले 2 दिन में इस्तीफा देने वाले 6वें नेता है। हालांकि इस दौरान एक कांग्रेस विधायक और एक सपा विधायक बीजेपी में शामिल भी हुए हैं। जब बीजेपी के नेताओं की दिल्ली में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अहम बैठक हो रही थी, उसी बीच मंगलवार को कैबिनेट मंत्री और बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी
कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, जिससे भाजपा को बड़ा झटका लगा। चुनाव सर पे है और ऐसे में विधायकों का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं चुनाव पर असर डाल सकता है। यूपी की विधानसभा सीटों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बैठक में 300 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में मौजूद हैं। उनके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीएल संतोष, शाहनवाज हुसैन, जुएल उराव भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी पहले और दूसरे चरण के लिए आज उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की चर्चा में आरएलडी को 26 से 30, राजभर को 8 से 10, महान दल को 3 से 5, वहीं जनवादी पार्टी को 3, अपना दल को 2, टीएमसी और एनसीपी को 1-1 सीट दी जाएगी। लता मंगेशकर कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। उन्हें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। गुरुवार को भी उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि लता फिलहाल आईसीयू में ही है। हालांकि उनकी सेहत में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक लता मंगेशकर को कोरोना और निमोनिया दोनों हुआ है। उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ने सलाह दी है कि उन्हें देखभाल की सख्त जरूरत है, इसलिए उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें 7 से 8 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक वे ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनकी उम्र के कारण कुछ समय जरूर लग सकता है। गौरतलब है कि नवंबर 2019 के बाद से लता घर से बाहर नहीं निकली हैं, लेकिन उनके घर के एक नौकर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो लता मंगेशकर का भी टेस्ट कराया गया और उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई। इससे पहले की बात करें तो लता मंगेशकर को नवंबर 2019 में सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें केकेडी न्यूज के साथ।